गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बीएससी सेकंड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है, तीन तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हमने देखे थे, शांता, उष्माचालन और विसरण। तीनों के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। अब हम आज की क्लास में कुछ डेफिनेशंस जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें काम आने वाली है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो हमारा पेपर है उसमें जो हमें डेफिनेशंस काम आएंगी, उन डेफिनेशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए थर्मोडायनेमिक, सबसे पहले इस मीनिंग को समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इस वर्ड का मतलब क्या है? अगर इस वर्ड के मैं दो टुकड़े करूं तो एक मुझे मिलता है थर्मो प्लस डायनेमिक, डायनेमिक्स दो वर्ड है। थर्मो को हम हिंदी में बोलेंगे ऊष्मा और डायनेमिक्स को हम बोलेंगे गति, एक तरह से ठीक है, मोशन। तो ऊष्मा की गति थर्मोडायनेमिक्स कहला, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अब ऊष्मा क्या है ये समझना जरूरी है। ऊष्मा होता है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले ऊष्मा देखते हैं, ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जिसका प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा। अब ऊष्मा के लिए सबसे जरूरी चीज है ताप में अंतर का होना। यदि ताप में अंतर नहीं होगा तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि कोई भी, जैसे एक रॉड ले ली हमने, एक रॉड ले ली है, अगर मैं इस एंड को, इस लेफ्ट एंड को मैं ऊर्जा दूँ, ठीक है, तो ये गर्म होगा और अभी ये ठंडा है। तो धीरे धीरे मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि धीरे धीरे जब मैं यहीं पर ऊर्जा दे रही हूँ, यहाँ से गर्म कर रही हूँ, तो धीरे धीरे ये वाला एंड भी गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ताप का अंतर हो रहा है। इस जगह पर मैं गर्म कर रही हूँ और इस जगह पर गर्म नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो ताप में अंतर हो रहा है। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है और जाकर ये एंड भी गर्म होने लगता है। और ऊष्मा का प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि इस पूरी रॉड का ताप एक समान ना हो जाए तब तक ऊष्मा का प्रवाह होता रहेगा। और जैसे ही इस पूरी रॉड का ताप एक निश्चित ताप हो जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। अर्थात ऊष्मा के प्रवाह के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ताप में अंतर का होना। अब ताप क्या होता है? ताप क्या होता है? ताप किसी भी निकाय का, किसी भी सिस्टम का वह गुण है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है। मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है, हॉटनेस, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ताप की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का माप है ताप, ठीक है। ये दो डेफिनेशन हमने देखी। अब हम आगे देखते हैं तीसरी डेफिनेशन, निकाय व वातावरण। ये डेफिनेशंस हमें काम आने वाली है इस पेपर में, इसलिए हम इन्हें देख रहे हैं। निकाय व वातावरण, इंग्लिश में कहेंगे इसे सिस्टम, निकाय को कहेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है पूरे यूनिवर्स। हम यूनिवर्स में रहते हैं और यूनिवर्स में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो मान लीजिए
सपोज हमने एक पात्र लिया है, ठीक है, एक पात्र लिया है, उसमें हमने एक पिस्टन लगाया है, इस तरह का हमने पिस्टन लगा दिया है, और इस पिस्टन को हम ऊपर नीचे करके गैस के आयतन में कमी कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसको कहेंगे हम अपना निकाय, ठीक है। और निकाय के अतिरिक्त, निकाय के अलावा जो भी कुछ हमारे यूनिवर्स में बचा है उसे कहेंगे हम सराउंडिंग। क्या कहेंगे उसे? सराउंडिंग कहेंगे या वातावरण कहेंगे। और वातावरण और निकाय दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? यूनिवर्स कहेंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग की डेफिनेशन। अब तीन तरह के सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तीन तरह के सिस्टम कौन कौन से हैं? तीन तरह के सिस्टम हैं, ओपन सिस्टम या खुला सिस्टम, खुला निकाय। एक पढ़ेंगे हम क्लोज्ड सिस्टम या बंद निकाय, और एक पढ़ेंगे हम आइसोलेटेड या विलगित निकाय। अब ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि किस किस का एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। द्रव्य और ऊर्जा दोनों का ही एक्सचेंज जब होता है, मतलब किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है निकाय पर, तो उसे कहेंगे हम ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का कोई एग्जांपल देखें, किस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए एक हमने पात्र लिया है, ठीक है, और इसमें हमने बीच में एक लगाया है, मान लीजिए इस पात्र को मैंने पहले बंद रखा है, ठीक है, इस पात्र को मैंने पहले बंद रखा है और इसमें एक गैस भर दी, कोई भी गैस मैंने भर ली, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से एक होल बना दूँ इसमें, ठीक है, तो क्या होगा? गैस के अणु बाहर की ओर गति करेंगे, ठीक है, मतलब सराउंडिंग में जा रहे हैं, गैस के अणु सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो इसका मतलब अणु भी बाहर जा रहे हैं, मतलब कि गैस में से द्रव्य भी बाहर जा रहा है, द्रव्य का भी आदान प्रदान हो रहा है, साथ ही साथ अणु अपने साथ कुछ ऊर्जा भी लेकर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? मैटर एंड एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ में। तो ये सिस्टम कैसा हो गया? मेरा खुला सिस्टम हो गया है, खुला निकाय हो गया है ये, ओपन सिस्टम। अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम कैसा होता है? इसमें केवल और केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का केवल इसमें आदान प्रदान होता है। मान लीजिए मैंने एक किस तरह का ले सकते हैं, एक प्लास्टिक की बॉटल लिया है, मतलब या फिर स्टील की बॉटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें मैंने गर्म पानी भर दिया है, बिल्कुल हॉट वाटर भर दिया है, तो धीरे धीरे मैं क्या देखती हूँ कि पानी तो बॉटल से बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, पानी तो बॉटल से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पानी ठंडा होने लगता है, यानी कि पानी के पास जो ऊर्जा थी वो उसने किसको ट्रांसफ़र कर दी है? सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? केवल और केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। आगे देखें विलगित निकाय। विलगित निकाय उसे कहेंगे जहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर न तो द्रव्य का स्थानांतरण होगा, आदान प्रदान होगा, और न ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। इसका एग्जांपल हम देखें, हमने थर्मोस्टेट देखिए, मतलब कि एक
बॉटल ही है जिस जो थर्मोस्टेट होती है, मतलब एक तरह से थर्मस, आप जानते होंगे थर्मस जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत देर तक पानी अगर आप ठंडा भर रहे हो तो ठंडा ही रहेगा और गर्म भर रहे हो तो गर्म ही रहेगा, यानी कि ऊर्जा का और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो इसे कहेंगे हम विलगित निकाय। लेकिन आदर्श रूप में आइडियली ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, मतलब हम बहुत हद तक एक आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं लेकिन आइडियली ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। मतलब आइडियली होने का मतलब क्या है कि कभी भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। थर्मस में अगर आप पानी भर रहे हो, गर्म पानी भर रहे हो, तो 10 घंटे बाद 15 घंटे बाद उसके टेम्परेचर में गिरावट आएगी, यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तीन तरह के हमने सिस्टम देख लिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम देख लिया है। अब देखते हैं हम इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। साम्यावस्था, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, कितने तरह की साम्यावस्था होती है, एक पढ़ेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक पढ़ेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम और एक पढ़ेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे हिंदी में कह देंगे हम यांत्रिक साम्यावस्था। एक हो गई ऊष्मीय साम्यावस्था और एक हो गई है केमिकल यानी कि रासायनिक साम्यावस्था। तीन तरह की साम्यावस्था देख ली है। सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स निकाय पर काम नहीं करेगा। मान लीजिए एक कोई बॉक्स है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस पर रखा हुआ है, यानी कि इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ये सिर्फ रखा हुआ है, इस पर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो एक फोर्स इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। एक इस पर सरफेस के नॉर्मल फोर्स काम करेगा, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर और कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यांत्रिक साम्यावस्था कहेंगे। ठीक है, एक देखते हैं हम इसका एग्जांपल कि अगर ये साम्यावस्था में नहीं हो तो इस पर क्या होगा। देखिए, एक फोर्स तो इस पर mg लग रहा है। मान लीजिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इस पर एक फोर्स लगाती हूँ, यहाँ से मैंने इस पर F फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये F फोर्स है और यहाँ पर ये mg का वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, F का FY कंपोनेंट इधर हो जाएगा और F का FX कंपोनेंट इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि FY किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, लेकिन FX को बैलेंस करने के लिए इसके ऑपोजिट में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये निकाय अभी यांत्रिक साम्यावस्था में नहीं है। तो यांत्रिक साम्यावस्था का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी निकाय पर यदि सारे बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, तो वो निकाय यांत्रिक साम्यावस्था में होगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, जैसे अभी एक रॉड का एग्जांपल हमने लिया था, रॉड का एग्जांपल क्या लिया था कि पहले मैंने इस एंड को गर्म किया और इस एंड, ये एंड ठंडा है, यानी कि ये वाला एंड जो है गर्म हो रहा है, ये वाला ठंडा है, तो अभी ये क्या है, साम्यावस्था में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इस यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा का प्रवाह होता है और तब तक ऊष्मा का प्रवाह होता है जब तक कि इस पूरी की पूरी रॉड का टेम्परेचर
टी नहीं हो जाता है। जब इस पूरी रॉड का टेम्परेचर टी हो जाएगा, यानी कि निकाय की सभी जगह पर जो ताप है वो समान हो जाएगा, तो ये निकाय कैसा कहलाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। यानी कि क्या होना चाहिए? ताप समान होना चाहिए। और रासायनिक इक्विलिब्रियम में क्या देखेंगे? रासायनिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि कोई भी गैस है, गैस का जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, गैस का कोई ना कोई कॉम्पोजिशन होगा। मान लीजिए CO2 है, ठीक है, तो CO2 का जो कॉम्पोजिशन है वो हर जगह पर एक समान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दो परमाणु ऑक्सीजन के और एक परमाणु कार्बन का होगा। हर जगह पर जब ऐसी स्थिति होगी तो ही हम उसे क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे, रासायनिक साम्य अवस्था में कहेंगे। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने किसकी बात करी? केमिकल कंपोजिशन की बात करी। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? हर जगह पर एक सा होना चाहिए, समान होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बात करी? ताप यानी कि टेम्परेचर की बात करी। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हर जगह पर समान होना चाहिए। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हमने बात करी फोर्सेस की, बल की बात करी कि हर जगह पर बल कैसा होना चाहिए? एक समान बल होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। और जब कोई निकाय इन तीनों साम्यावस्था में हो, कोई भी निकाय जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो यानी कि पूरे निकाय का ताप हर जगह पर एक समान हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम शुड बी सेम एवरीवेयर, तब हम इस निकाय को कैसा कहेंगे? ऊष्मा गतिकीय साम्यावस्था में कहेंगे। ऊष्मा गतिकीय साम्यावस्था में, जब निकाय तीनों तरह की साम्यावस्था में है, तब इस निकाय को हम कहेंगे ऊष्मा गतिकीय साम्यावस्था, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे उस निकाय को। अब ये तो हमने तीनों तरह की मतलब जो जो डेफिनेशंस हमें काम आने वाली है थर्मोडायनेमिक्स में, वो डेफिनेशंस हमने यहाँ देख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इतने सारे लॉज हैं। तो हम फर्स्ट लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, इसे देखते हैं। ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम, या जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, शून्यवा नियम देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का शून्यवा नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि यदि कोई दो निकाय, मान लीजिए निकाय ए और बी है, यदि कोई दो निकाय ए व बी पृथक पृथक रूप से निकाय सी के साथ साम्यावस्था में हैं, तो निकाय ए और बी भी आपस में साम्यावस्था में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मान लीजिए हमने दो निकाय लिए हैं, ये निकाय ए हो गया और ये निकाय बी हो गया, ठीक है, दो निकाय हमने लिए और हमने इसमें एक एडियाबैटिक वॉल लगा दिया, मतलब कि
ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है, यानी कि इस निकाय में कोई भी ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। और यदि एक तीसरा निकाय हमने सी लिया है, ये निकाय सी है जहाँ पर ए और सी के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, इसी तरह से बी और सी के बीच में भी ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। यहाँ पर एक डायथर्मिक वॉल हमने लगाई है जिसकी हेल्प से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में। तो ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे तो इनका टेम्परेचर टी हो जाएगा, और बी और सी में भी तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा जब तक कि इनका ताप टी हो जाए। यानी कि ए बी और सी तीनों का ताप कितना हो गया, टी हो गया। अब अगर मैं क्या करूँ इस एडियाबैटिक वॉल को, ये कैसी है अभी, रुधोष्म या एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल हो गई, ठीक है। अगर इस निकाय में मैं क्या करूँगी, ये ए भी मेरे निकाय थे, एडियाबैटिक वॉल की जगह अगर अब मैं डायथर्मिक वॉल लगा दूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एडियाबैटिक की जगह डायथर्मिक वॉल लगा दी। ये दोनों ही वॉल कैसी है, डायथर्मिक है, डायथर्मिक वॉल, ठीक है। ये निकाय ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो निकाय ए और सी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, निकाय बी और सी भी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर ए से बी में या बी से ए में कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, भले ही हमने रुधोष्म वॉल को हटाकर, एडियाबैटिक वॉल को हटाकर डायथर्मिक वॉल लगा दी हो, ठीक है। और ऐसा कब होता है, कब ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि दो निकाय आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में हो, यानी कि ए और बी भी आपस में साम्यावस्था में होंगे। तो यही हमारा ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम है, इसे हम लिख लेते हैं अब। क्या कहता है हमारा नियम, यदि कोई दो निकाय, यदि कोई दो निकाय पृथक्तः किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ निकाय के साथ पृथक्तः साम्यावस्था में हो, पृथक्तः साम्यावस्था में हो, यानी कि ए और बी निकाय सेपरेटली निकाय सी के साथ में साम्यावस्था में है, तो वे दो निकाय भी आपस में साम्यावस्था में होंगे। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।